हाय फ्रेंड्स, मैं रेखी ग्रैंड मास्टर एंजल हीलर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बच्चों के टॉपिक पे ही आपसे बात करूँगी, जो चिल्ड्रन से में विन जो विल पावर है उसकी कमी है, या टीनेजर्स हैं किसी तरह की विल पावर या स्टडीज़ को लेकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी मोटिवेशन के लिए आपको एक स्विचवर्ड दिया है, आप मेरे और वीडियो से वो निकाल सकते हैं जो उनको मोटिवेट करेगा उनके स्टडीज़ को लेके, या वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं 11th 12th की पढ़ाई है या 7th के 8th के बाद जो स्टडीज़ चेंज होती है, या वो और सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो उनकी विल पावर जो है वो मजबूत करेगा। सिर्फ विल पावर उनकी स्टडीज़ के लिए मजबूत नहीं करेगा, एज वेल एज़ वो उनकी वो पावर भी इंक्रीज़ करेगा जिसके कारण उनको आगे बढ़ने के लिए या जब कंपटीशन के लिए दर्जनों के साथ बैठेंगे तो उनको काफी हद तक मजबूती महसूस होगी। साथ ही साथ जो चिल्ड्रन है ओबीडियंट के लिए भी मैं एक नंबर दूंगी कि वो आपके आज्ञाकारी रहें, उसके लिए भी मैं एक स्विच वर्ड दे रही हूं। स्विच वर्ड को आपको जिस तरीके से मैंने लिखा है कैप्स में आपको वैसे ही लिखना है, और अपनी टेबल पे या बच्चे की जो स्टडी टेबल है या उनके कंप्यूटर जो है उसके पीछे आप पेश कर सकते हैं, सामने पेश कर सकते हैं, और सिर्फ बच्चे को ये वाला जो उनकी शक्ति को बढ़ाएगा सिर्फ उसको देखना है। ये आपके बच्चा आज्ञाकारी नहीं है, या आपका बच्चा आपकी सुनता नहीं है, या आपका बच्चा ध्यान नहीं देता, ये वो सारी आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा ये स्विच वर्ड। इसको आपको सिंपली पेस्ट करना है, और जो मैं नंबर दे रही हूँ विल पावर के लिए, ये आपके बच्चे की विल पावर को काफ़ी हद तक इंक्रीज करेगा, उसकी सोचने की शक्ति बढ़ाएगा, कॉम्पिटिशन में हो जाएगा तो कहीं डिसअपॉइंट नहीं होगा, उसको भी काफ़ी हद तक मदद करेगा। जो नंबर है उसको आपको एक सर्किल बना लेना है, उसके अंदर वो नंबर लिख लेना है, वो आपका डबल पावर देना शुरू कर देगा। और सर्किल के अंदर आप ये नंबर लिख लें और ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से अंदर नंबर लिख के उस ग्लास को जिसको वाटर आपको चार्ज करना है उसको रखें, ग्लास ऐसे रखें कि ऊपर जब आप ग्लास के अंदर देखें सारे नंबर विजिबली आपको दिखने चाहिए, एक भी नंबर सरफेस में नहीं आना चाहिए। आप इस तरीके से ग्लास के जो नीचे का सरफेस है उसके हिसाब से आप रखें, आप स्टील का चाहे कांच का कोई भी ग्लास आप यूज कर सकते हैं, बस आपका जो भी नंबर हो विजिबली ग्लास के नीचे वाले सरफेस में पूरा आना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी तरीके की वो इसके कॉर्नर्स ना कटें। साथ ही साथ आप इसके ऊपर अपना अंक बच्चे को जो फूड दे रहे हैं वो भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी विल पावर जिन बच्चों में कमी है या बच्चे बहुत डर जाते हैं या सोचते हैं हम तो कर ही नहीं पाएंगे या वो हमसे ज़्यादा होशियार है, उस तरह की दिक्कतें देगा, या बच्चा आपका आज्ञाकारी नहीं है तो स्विचवर्ड वहाँ मदद करेगा। ये दोनों कॉम्बो में आपको दे रही हूँ, आप चाहें तो अलग अलग भी इनको यूज़ कर सकते हैं बच्चे के हिसाब से, आप चाहें तो इन दोनों को आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लीज़ जैसा मैं बता रही हूँ आप प्लीज़ वैसे ही फॉलो करें, आप किसी भी तरीके का चेंजेस इसमें ना करें, वरना आपके वो नंबर जिस तरीके से मैं दे रही हूं वो काम नहीं करेंगे। आप सबसे पहले आप स्विचवर्ड नोट कर लें, आपको सिर्फ इसको पेस्ट करना है अपने बच्चे की टेबल पर, और सिर्फ देखने की मेडिटेशन है। स्विचवर्ड है CROWN क्राउन, सिर्फ आपको ये लिखना है, ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अब मैं आपको जो नंबर दूंगी जो एंजेलिक नंबर है इसको आपको ग्लास के नीचे लगाना है, ये आपको चार्ज करके आपको इस पर पानी पिलाना है, ये आपके बच्चे के चार्ज के लिए और विल पावर इंक्रीज करने के लिए। नंबर है 3542888। जैसा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है प्लीज़ आप इसी तरीके से उस नंबर को लिखें, कोई भी चेंजेस उसमें ना करें। ये बच्चों के लिए मैंने वीडियोस बनाया है, जो बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे पेरेंट्स परेशान रहते हैं, ये उन्हीं सभी के लिए वीडियोस हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस जो भी मैं आपको ये आज नंबर्स या एंजेलिक स्विच वर्ड्स दे रही हूँ इसके लिए किसी भी तरीके की अट्यूनमेंट आपको नहीं लेना है, ये बस आप देखें और इसको आज ही से स्टार्ट कर दें। Thank you so much.